बेगूसराय में ज्ञात अपराधियों के द्वारा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की सूचना ग्रामीणों को लगी। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन और जमकर हंगामा करने लगे। आपको बताते चले कि डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाल गाँव में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किसी अज्ञात अपराधियों ने नीचे गिरा दिया। वहीं ग्रामीण लोग राजपुर कटारमल पथ को जाम किए हुए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा बीती रात ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा को ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पूर्व में भी दोबारा अज्ञात अपराधियों के द्वारा गिराया गया था और समाज में गंदा मैसेज देकर हम लोगों को उसे करने का कार्य किया जाता है। घटनास्थल पर बलिया डीएसपी विनय कुमार राय, डंडारी के थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सहित दर्जनों पुलिसकर्मी समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। वहीं इस घटना के बाद घटनास्थल पर तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इसमें जो भी दोषी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो सड़क जाम ही रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बढ़िया पदाधिकारी यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये मामला शांत नहीं होगा। हालांकि बलिया डीएसपी विनय कुमार राय ने बताया कि कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। लोगों की मांग है कि इसमें जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इसमें जो दोषी होंगे उसको चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय में। जो राजनीतिक है वो गलियारों से आ रही है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो है मूर्ति बेगूसराय के प्रखंड डंडारी प्रखंड है वहां से एक सामने रात में जो है भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति गिरी हुई नजर आती है, जहां ग्रामीणों में भी आक्रोश है और जहां बिहार में बात करने के लिए आज है एएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश जी, जो एएसएफ के जिला अध्यक्ष होने के बाद भी समाज में भी इनका पहचान एक अलग चीज है। जो जातिवादी है उसको नकारते हुए ये अपनी बातों को रखते हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि बिहार में जब जाति जनगणना नहीं हो रही थी तब भाजपा के भैया सबसे पहली बात है, सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के चलाने के लिए एक जो संविधान लिखे हैं, आज ये भाजपा के लोग संविधान को तार तार करने पर तुले हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो जाति जनगणना के लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद के पात्र मानता हूं जो कई सालों के बाद जाति जनगणना बिहार के अंदर लाया और लगभग सक्सेसफुल लाया। लेकिन दुर्भाग्य है बेगूसराय में, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, कि निश्चित तौर पे 2024 आते आते बेगूसराय के अंदर दंगा तो होगा ही। शिव मंदिर टूटा, लगातार जिला प्रशासन ने बताया कि हम अपराधी को पकड़ूंगा, अपराधी को कड़ी कड़ी सजा दूंगा, लेकिन ये हमारे महामहिम संसद जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं वो जाकर वहां दंगा करवाने का काम किया और कई ऐसे लोग हैं जो जेल का हवा खा रहे हैं। लेकिन आज अम्बेडकर जी का मूर्ति मनुवादी सोच रखने वाले लोग ने तोड़ दिया, लेकिन बेगूसराय में रहते हुए संसद महोदय एक बार भी कटरमला नहीं जाते हैं और अम्बेडकर जी का मूर्ति तोड़कर गिरा दिया जाता है। वो भाजपा भेजा है क्या? शिव मंदिर जहां टूटा था वहां कार्ड कोई भेजा था क्या? वो उनके देखरेख में इस तरह का घटना होता है। शिव मंदिर में क्या कार्ड भेजा था उनको? वो कहे हाथ उठाकर चल गए जय श्री राम कहने, अम्बेडकर जी का मूर्ति टूट जाता है उनको कार्ड भेजना पड़ेगा? बेगूसराय की जनता, बेगूसराय की घटना नहीं है, बेगूसराय के संसद वो नहीं है। शिव मंदिर टूट जाता है उन्हें कोई कार्ड नहीं देता है, वहां पहुंच जाते हैं अम्बेडकर जी का जो देश का संविधान लिखे हैं उनका मूर्ति टूट जाता है तब वो मौन धारण कर लेते हैं, उनको कार्ड चाहिए वहां पहुंचने के लिए। ये कहीं ना कहीं सोझी समझी साजिश है। ये साजिश को नाकाम करने के लिए हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन चरणबद्ध हो चुका है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये निकम्मी जो संसद है, अभी भी मैं बता रहा हूं संसद महोदय होश में आ जाइए, जो भी अपराधी है डायरेक्ट एसपी से आप बात कीजिए, अम्बेडकर जी का जो भी प्रतिमा तोड़ा है उस पर कड़ी सजा देने का काम करें। जो शिव मंदिर में जो शिव मंदिर का प्रतिमा को तोड़ा है उसे एसपी और डीएसपी ने सजा दिया
और प्रतिमा को भी जो तोड़ा है उसे भी सजा आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर कह देना चाहता हूँ। एसपी महोदय, डीएसपी महोदय, आपका बेगूसराय में जो काम है काफी इम्पोर्टेंट काम है, काफी सहनीय काम है, और ये मूर्ति का जो लोग तोड़े हैं राजनीतिक से ऊपर उठकर इस पे कार्रवाई करे। ये संसद, ये विधायक जो मिली भगत से ये घटना घट रही है बेगूसराय के अंदर में, मैंने बार बार एसपी महोदय का आग्रह कर रहा हूँ। तो अमरीश जी, आप ये बताइए, आपके संगठन उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर ये एक रात की घटना हुई है प्रतिमा का? निश्चित तौर पे आप एक चीज बता देना चाहता हूँ, अब निंगा के अंदर जो थे घर में, अब तो गिरिराज सिंह आपके क्षेत्र में तो घर पे लोग सोया रहता है वो भी सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम को घर पे से बुलाकर गोली मार दिया जाता है उस समय। राज में सरकार नहीं है, वो तो डायरेक्ट महागठबंधन पर बता रहे कि बात तो बेगूसराय की हो रही जनाब जी, बात तो बेगूसराय की हो रही है, सवाल तो बेगूसराय के सांसद और विधायक तो होगा ना। निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार हमारा तमाम नेता चाहे हमारे माध्यम, वहाँ पर हिंदू नहीं मरा मुस्लिम मरा, वो आंसू क्यों बहाने जाएंगे? तो हम हिंदू मर जाता है तो कहाँ वो आंसू बहाते हैं, नहीं करते हैं। उनके पास 10 से 20-50 लोग ऐसे हैं जिनका विकास हो रहा है, लेकिन मैं आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप ठीक होशियार हो जाइए, ये किसी का नहीं है, ये बाहरी है, गंगा का उस पार का है। 2024 में आप बोरा बिस्तर समट जाइए, समटा दीजिए बेगूसराय की जनता, और फिर गंगा को उस पार भेजने का काम करें। और आपने सवाल किया अंबेडकर जी की जहां मूर्ति टूटा है, निश्चित तौर पे आपको मैंने बताया कि थोड़ा मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं स्वस्थ होते हुए सबसे पहले अंबेडकर जी का जो सम्मान है, सम्मान के लिए हम लड़ूंगा, और सम्मान अंबेडकर जी का जो है वो दिलवाने का काम करूंगा। जिला प्रशासन से मुझे लड़ना भी पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन उनका जो अधिकार है अंबेडकर जी को, जो मुझे बोलना सिखाया है, जो मुझे चलना सिखाया अंबेडकर जी, मैं उस रास्ते को अंबेडकर के रास्ते से चलता हूं। निश्चित तौर पे मैं उन्हें अधिकार चाहे जिस तरह से हो मैं लेने का काम करूंगा। तो साफ साफ तस्वीर में देखे थे कि अमरीश जी थे एएसएफ के जिला अध्यक्ष थे, जो रात की जो घटना घटी है बेगूसराय के जो कटरमाला पंचायत है वहाँ पर जो सामाजिक तत्व के द्वारा जो है भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर जो है वो नीचे गिरा देती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, और यहाँ के सांसद और विधायक इस पर क्या जिला प्रशासन को निर्देश देती है। आरपी भारत के लिए बेगूसराय से मोहम्मद नबी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।